Students, in our last video, we were discussing about chapter number 2, that is biological classification. And we have only done up to the types of classification, that is empirical and rational. Right? In empirical classification, there is no study of morphology. बट इन रैशनल क्लासिफिकेशन उसमें हम नेचर और मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था. तो जो रैशनल क्लासिफिकेशन है उसकी आगे हम बात कर रहे थे कि तीन टाइप्स होती हैं, राइट? कौन कौन सी? दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था. इसके टाइप्स अभी हमें डिस्कस करनी हैं. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा रैशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्चुअल नेचर और मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट को या एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को स्टडी करा जाता है, राइट? लेकिन एम्पेरिकल में सिर्फ अल्फाबेटिकली ही रखा जाता था, ग्रुपिंग करी जाती थी अल्फाबेटिकली ही. क्लियर? तो अभी हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? सो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट इट्स अ टाइप ऑफ रैशनल क्लासिफिकेशन. तो मॉर्फोलॉजी, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल करेक्टर्स, वो तो इसमें स्टडी होगी होगी, राइट? बट स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ इट यूजेस ओनली वन और टू करेक्टर्स, बस इट यूजेस आइदर वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग, जस्ट, राइट? तो इसमें सिर्फ दो ही करेक्टर्स, बेसिकली एक या दो करेक्टर्स ही डिस्कस करे जाते हैं फॉर द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट? और यू नो दिस सिस्टम वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट लीनियस, राइट? हाउएवर जो है साइंटिस्ट एरिस्टोटल, राइट, ही मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई the organisms, and you know he classified animals into two groups. First is enema and next is anima. See, Aristotle ne animals ko classify kara on the basis of what, whether they have red blood cells or not. So enema are the group of animals that have RBCs, means they have red blood cells. But anema is a group of animals that do not have what? They do not have RBCs, right? Also Aristotle made further attempt. What he did, he also classified animals. Aristotle also classified animals, but on the basis of their habitat. What? On the basis of their habitat. So Aristotle has classified animals on the basis of their habitat into three types: aquatic organisms, terrestrial animals and aerial, right? So aquatic are the one which live in water, right? Example like duck, or koi example, yes, like fishes and so on. Terrestrial organisms are those that survive on land. There are so many examples, right? Lion, tiger, even human, right?
वेयर एज एरियल दैट लिव ऑन ट्रीज और वी कैन से दैट लिव ऑन ट्रीज और एयर राइट फॉर एग्जाम्पल लाइक बर्ड्स दे आर एरियल वंस राइट तो स्टूडेंट्स हमने जो चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करा हुआ है दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसकी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमने रैशनल क्लासिफिकेशन की टाइप स्टार्ट करी हुई हैं उसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड यू नो दिस सिस्टम वॉज गिवन बाय लीनियस बट द फर्स्ट अटैम्प्ट फॉर टू क्लासीफाई द एनिमल्स वॉज एक्चुअली स्टार्टेड बाय एरिस्टोटल राइट नाउ लीनियस See what he had done. Students, Linnaeus also used the system of classification on the basis of the sex organs of the plants. Right? So Linnaeus classified plants into 24 classes. Into 24 classes on the basis of on the basis of style and stamen. So basically on the basis of sex organs. So Linnaeus classified plants into 24 classes on the basis of their style and stamen. That is on the basis of sex organs. Right? So he had made classes like Monandria. Having single one stamen just right then Diandria as the name indicates having two stamens and then Triandria as the name indicates having three stamens so and so on right jisme kafi sare the they are Polyandria राइट सो उसने जो है 24 क्लासेस दी थी इस तरीके से लेकिन उसने एक और डिस्कशन करी थी दैट इज़ क्रिप्टोगैमिया की बेटा उसने कहा क्रिप्टो मतलब होता है हिडन गैमिया इज़ गेमीट्स तो जिनमें हिडन गेमीट्स होते हैं जिनमें दिखाई नहीं देते लाइक दैट ऑफ एल्गी राइट लाइक दैट ऑफ Bryophytes, pteridophytes, right? ये उसने इसको like हम कह सकते हैं कि algae, bryophytes, pteridophytes, even fungi, lower organisms को उसने cryptogamia में कर दिया था explain कर दिया था उसमें एक उसने ली थी Icosaandria जिसमें